भाजपा का झंडा लेकर नशे की हालत में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। पानी की टंकी पर चढ़े होने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सूचना मिलते ही जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को मनाने में जुट गए। करीब 2 से 3 घंटे तक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एडिशनल SP अनिल कुमार सिंह व SDM स्वाति शुक्ला से फोन पर हुई वार्ता के बाद युवक पानी की टंकी से नीचे उतरा, जिसके बाद प्रशासन व पुलिस ने राहत की सांस ली। पानी की टंकी से उतरने के बाद पवन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसे कोतवाली लेकर आई। कोतवाली में एडिशनल SP अनिल कुमार व CO विनोद द्विवेदी के द्वारा पवन से पूछताछ की गई। शराब के नशे में धुत पवन पुलिस को अपनी इधर उधर की बातों में काफी देर तक भटकाता रहा, जिसके बाद उसने बताया कि उसकी मां ने 2 शादी की हैं। सौतेले के पिता अपने नाम का उसका आधार कार्ड नहीं बनवा रहे हैं, जिसकी वजह से वह परेशान था और इसी वजह से वह पानी की टंकी पर चढ़ गया। कर ले मीडिया।